हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शेमरियन। तो दोस्तों, एक आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके आओ। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम देखेंगे, एक मैंने कंपोनेंट डिजाइन करा है। तो इस कंपोनेंट को हमने कैसे डिजाइन करा है, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैं कुछ कमांड वगैरह यूज करके, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो सिंप्लीफाई बॉडी क्या होती है, क्यूब वगैरह हो गए, कुछ कमांड वगैरह यूज करके मैंने एक वो बना रखा है, एक प्रोडक्ट डिजाइन बना रखा हूँ। इस प्रोडक्ट डिजाइन की हम मोल्ड डिजाइन करने वाला है। बेसिकली इसमें मैं कंप्लीट मोल्ड डिजाइन नहीं कर पाऊंगा, इसमें मैं DFM बना रहा हूँ। ये कंपोनेंट है, दो मेटिंग पार्ट है अलग अलग साइज का। तो इसकी जो हम मोल्ड डिजाइन करेंगे, मोल्ड डिजाइन में क्या करूंगा, यहाँ पे मैं आपको सबमरीन गेट सिखाऊंगा। सबमरीन गेट उसकी कैलकुलेशन क्या होती है, और इसमें मैं एक साइड में एज गेट लगाऊंगा। बेसिकली एक ही गेट लगानी है, बट आपको मैं इसमें कैलकुलेशन के साथ मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट चीजें बताऊंगा, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे बॉस है। अब ये बॉस बहुत ही लाइट में है, इसको इजेक्शन करने के लिए मैं यहाँ पे स्लीप इजेक्शन सिखाऊंगा। तो इस केस में मैं आपको स्लीप इजेक्शन का कैलकुलेशन भी बताऊंगा, क्या कैलकुलेशन वगैरह यूज करना है आपको, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग से होगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं, जो मेरा कंपोनेंट यूज कर रहा हूँ, इस कंपोनेंट का मेटेरियल क्या है। तो यहाँ पे मैं PC का यूज करूंगा। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे जो यूज कर रखा हूँ PC का ही दे रखा हूँ, 1.0 PC ABS सेम ही होती है, सिंकिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बना लिया है PC। तो सबसे पहले आपको पार्ट की वेट देखना होती है, और पार्ट की साइज देखोगे, पार्ट की साइज क्या होगा। तो पार्ट की साइज जो मेरा आ रहा है यहाँ पे 55, अभी तो देखो स्ट्रिंग डालने की बात है, तो यहाँ पे 14 mm का है, 85 mm का और 55 mm का अप्रोक्सीमेटली आता है। फिर उसको मैंने जो है 25 mm मूव करा है, इस साइड में मूव करा है। क्यों, इसको हम फिटिंग सिस्टम डालने के लिए 25 mm में क्यों किया है, क्योंकि 16 mm का जो है स्क्रू आती है। तो 16 mm का स्क्रू मतलब 25 से 8 mm उसने ले लिया। फिर यहाँ पे सबमरीन गेट यूज करूंगा। सबमरीन गेट की जो एंगल होती है कितना होती है, 45 डिग्री यूज करते हैं। तो 45 डिग्री के हिसाब से इसकी 8 mm ना 9 mm इसकी लेंथ होती है। तो 8-9 mm लेंथ के हिसाब से ये भी आपके 5 mm 6 mm तो उधर चला जाएगा, 8 mm इधर चला गया आपका, कितना चला गया, 13 mm चला गया। कितना बसा यहाँ पे, 12 से 13 mm बसा। तो इतना तो एरिया मेरे को चाहिए चाहिए। तो आपने समझ गया मैंने इसमें 25 mm क्यों मूव करा। अगर इधर से देखोगे दोनों के बीच में 50 mm है, मतलब सेंटर से 25, इधर से 25। अब जब भी मैं प्रोडक्ट डिजाइन करता हूँ ना, तो हमेशा मैं WCS में काम करता हूँ, ठीक है। कोई DCS में काम नहीं करता, मैं यहाँ पे DCS में काम नहीं करता, मैं WCS में प्रोडक्ट डिजाइन करता हूँ। और ये एक आपको हैबिट डाल लो, अगर आप WCS में प्रोडक्ट डिजाइन करना लग जाओ ना, तो आप बहुत कुछ चीजें सीख सकते हो और इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। दोस्तों, जिसको भी पेड क्लासेस वगैरह लेना है, जो भी एडवांस मोल्ड डिजाइन वगैरह सीखना है, क्योंकि यहाँ पे मैं तो आपको इस तरीके से मोल्ड सिखाता हूँ, जो मेरे क्लासेस होती है मैं बहुत ही हैवी मोल्ड कराता हूँ, है ना। उसके लिए अच्छा सिस्टम कॉन्फिगरेशन वगैरह सही है, और किसी तरीके से सपोर्ट वगैरह भी होता हूँ, हर तरीके से सपोर्ट वगैरह देता हूँ मैं, है ना। अगर किसी को भी क्लासेस वगैरह लेना है, तो नीचे नंबर मेंशन है, वहां पे जाके कॉन्टेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी हम गेट बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं स्लीप को बनाना सिखाऊंगा आपको। तो गेट बनाने से पहले सबसे पहले हम स्टार्टिंग देखेंगे। देखो यहाँ पे देखोगे आप सेंटर से, यहाँ पे मेरा 40 है, यहाँ 60 है। 40-60 इसलिए है कि इस एरिया को मेरे को फिलिंग करना है, ठीक है। तो इसलिए 40-60 कर रखा हो। अगर आपको चाहते हो तो नीचे लाना चाहते हो तो आप ला सकते हो, मैं यहाँ पे इस तरीके से सेटिंग कर रखा हो। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है प्रोफाइल है, मेरा प्रोफाइल जो है यहाँ पे देखूंगा मैं। अगर इस तरीके से बनाना है तो इस तरीके से भी बना सकते हो, मैं चलो आपको सेंटर सेंटर तो बनाता हूँ। तो यहाँ से ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इसकी जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ सेंटर पॉइंट से कितना है, 50 mm का है, राइट। और 50 mm तो है, बट यहाँ से हम कुछ सर्टेन अमाउंट जो है मैं इसको ऑफसेट रखूंगा, ठीक है। इस एज से मैं 5 mm जो है ऑफसेट छोड़ रहा हूँ, ठीक है। 5 mm में ऑफसेट छोड़ रहा हूँ, और यहाँ पे इसको मैं ट्रिम कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा हो गया रनर, अब ये मेरा यहाँ पे रनर बन गया है, ठीक है। इसको यहाँ पे मैंने इसको रनर बनाना है, यहाँ पे देखो 5 mm मैंने क्यों लिया है आपको। अब देखो आपको क्वेश्चन पूछना है, आपको दिमाग में जो क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। 5 mm इसलिए लिया हो क्योंकि ये मेरा है सबमरीन गेट, ठीक है। अब सबमरीन गेट में कुछ क्राइटेरिया होती है, क्राइटेरिया क्या होती है अभी आप कैलकुलेशन देखना इसकी, ठीक है। कभी भी सबमरीन गेट को बनाने देना, इस तरीके से बना देना, कोई आपके नंबर कम नहीं कर सकता है। हमेशा जब भी मोल्ड बनाओगे ना, बहुत लोग भी मोल्ड बनाते हैं ना, मोल्ड सिखाते हैं बनाते हैं, लेकिन सही ढंग का नहीं सिखाते, नहीं सिखाते मतलब मोल्ड बना दिया उसमें फ्लो आ गया। फ्लो क्यों आ गया भाई, अच्छा अगर मोल्ड डिजाइनर हो आपको मोल्ड में फ्लो नहीं आना चाहिए, है ना, सिंग मार्क नहीं आना चाहिए, तभी मोल्ड डिजाइनर बनोगे ना आप अच्छे से। ऐसे तो कोई भी बन सकता है, वो चीज़ आपको ध्यान रखना होता है। तो ये देखो यहाँ पे हमने क्या बना दिया, एक मैं से एक से का राना यूज कर रहा हूँ, कितने का राना यूज कर रहा हूँ, से का।
क्योंकि सबमरीन के यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे 6 के में क्या लगाऊंगा? अच्छा, रन आवर कैलकुलेशन क्या होता है कौन बताएगा? ऑलरेडी मेरे रन गेट के ऊपर वीडियो है, बहुत लोग है अगर जो उसने देखा नहीं है देख सकते हैं वहां पे जाके मैं किस तरीके से गेट वगैरह डिजाइन करता हूँ। अब मैं जो सबमरीन गेट दूंगा ना, मैं कहाँ पे दूंगा इसको? पिन में दूंगा, ठीक है। 6 का मैं इजेक्टर पिन यूज कर रहा हूँ। कितने का इजेक्टर पिन यूज कर रहा हूँ? 6 का, ठीक है। अब समझ में आएगा मैं क्या करने चाह रहा हूँ, तो ये फिलहाल के लिए इतना ही रहने दो। हाँ, इसको जो इजेक्टर पिन है ये कैचिंग पिन बनेगा, मतलब अभी आपको समझ जाओगे थोड़ी देर में, थोड़ी देर तक पैसा रखो, ठीक है। यहाँ पे मेरा पार्टिंग है, 50-50 पार्टिंग हो गया। यहाँ से मेरे को सबमरीन लगाना है, सबमरीन जो लगाऊंगा मैं यहाँ पे मोल विजार्ड की थ्रू लगाऊंगा, या मोल विजार्ड की थ्रू नहीं लगाऊंगा ना, दूसरे तरीके से लगा सकता हूँ मैं। यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, इस तरीके से बनाना है तो मेरा जो गेट है, ठीक है। देखो मैं पहले आपको क्या बताऊंगा, पहले आपको मैं सबमरीन बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको एज गेट बताऊंगा। मेरा जो मोल डिजाइन कराऊंगा उसमें कोई फ्लो कोई भी फ्लो ब्लॉक वगैरह प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मेरी तरफ से गारंटी है। तो सबसे पहले जो सबमरीन यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो इसकी जो रनर है, रनर के अकॉर्डिंग उसको सेट करना है, 6 mm का है, और यहाँ पे 0.8 रखना है, और एंगल जो है आपको 45 डिग्री रहना है, क्योंकि पीसी में ना ये, अगर पीसी में ये 0.8 से ज्यादा करोगे ये टूटने का दिक्कत आती है, और एंगल कम होगा तो ये टूटने का भी दिक्कत आती है। तो एंगल 45 और पीसी में जो हार्ड मेटल होती है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, 0.8 रखना है, और यहाँ पे इसकी जो ऑब्जेक्ट है इसकी सेंटर ये रखना है। अगर आपको इसको रोटेट करना है तो इस तरीके से इसको आप रोटेट कर सकते हो, 180 डिग्री रोटेशन होगा, ठीक है। उसके बाद देखोगे आप यहाँ पे जो है बहुत सारा आपको लेंथ बढ़ाना पड़ेगा, लेंथ बढ़ाना इन द सेंस L1 बढ़ेंगे आपके, है ना। L1 जो है हम इसको 20 mm कर देते हैं, यानी देखो 20 mm भी ये मिट नहीं कर पा रहा है ना। तो ये जो सबमरीन गेट है थोड़ा सा इसको एंगल ऊपर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत ही रनर वेस्टेज हो जाएंगे। तो इसको हम कर देंगे 30 mm, ना इसको हम कर देंगे 60 mm के अराउंड, ठीक है। 60 mm की जो L1 है इसको हम अगर कर देंगे है 15 mm की, फिर भी कम है, 18 mm करना पड़ेगा आई होप, ठीक है। तो इसी तरीके से इसकी सबमरीन रखना है, किस तरीके से सबमरीन आपको करना होता है। बेसिकली जो इसकी सबमरीन होती है इसकी डिग्री जो है आप लोगे ट्रू वैल्यू में रहना है, ऐसा नहीं कि आप कभी 48-49 ऐसे कर दो, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। इसकी एक स्टैंडर्ड रखना है 45-50, तो ऐसे रखना कि उसको इलेक्ट्रोड जो इसकी इलेक्ट्रोड ट्रिप करेंगे उसमें दिक्कत ना हो, ठीक है। क्योंकि इस तरीके से इलेक्ट्रोड बनेंगे तो ये बनेंगे, इसमें कॉपर में बनेगा नहीं बन पाएगा ना, ग्रेफाइट में बनाना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये पतला है बहुत इधर, इस हिसाब से आपको ग्रेफाइट में बनाना पड़ेगा। और आप देख पा रहे हो इतना बड़ा जो इसकी टी बनेगा वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको क्या करना पड़ेगा, एंगल को आपको चेंज करना पड़ेगा। ये जो एंगल है इसको हम 60 करेंगे, और यहाँ भी ये देखना कि यहाँ के बीच में भी अच्छा खासा गैप बना रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसकी सबमरीन बनाना है आपको, आई होप समझ गए आपको सबमरीन गेट किस तरीके से बनाना है, आपको इस तरीके से सबमरीन गेट बनाना है, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे मेमोरी एक्सेस वायलेशन आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा वाईफाई कनेक्ट है, जब भी मूल बजट वगैरह यूज करते हो आपको वाईफाई लाने नहीं करना है, तो इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम इसकी एज गेट में। अब एज गेट में मैं आपको बात करता हूँ, जो मेरा एज गेट होगा उसमें हम क्या करेंगे, देखो एज गेट होती है ना उसकी भी कैलकुलेशन होती है। तो इसकी कैलकुलेशन क्या होती है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, आने के बाद इसकी जो सेंटर है सबमरीन, आप समझ गए ना, तो यहाँ पे आपको जेड काटना पड़ेगा सबमरीन में, एक चीज मैंने बोलना भूल गया, यहाँ पे जेड करना पड़ेगा इस तरीके से, एक जेड काट देना, और यहाँ पे ओपनिंग 0.8 से लेके 1 mm के बीच में रखना है। इसकी हाफ हाइट 10 से 12 mm रख लेना मिनिमम, और यहाँ पे जेड जो होगा 6 से 8 डिग्री एंगल रख देना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इजेक्टर पिन में सबमरीन गेट देना। अब नेक्स्ट कंपोनेंट में आते हैं हम, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जैसे मैंने ये बनाऊंगा इसी तरीके से मैं इसकी सेंटर से इसकी सेंटर तक ले आ रहा हूँ, है ना, और इसकी सेंटर और इसकी सेंटर दोनों को मैं मिला देता हूँ, दोनों सेंटर सेम होना चाहिए, या आप इसकी सी से भी कर सकते हो, सी दबा के हॉरिजॉन्टली जैसे ये और आपका ये, सॉरी सी दबाया आपका ये और इसका ये, दोनों में सेंटर में है। और ये जो ओपनिंग होंगे, ये जो ओपनिंग होता है ये कितने का रखोगे आप, इसका भी फॉर्मूला होता है बहु, इसका हम 6 का लगाएंगे क्योंकि कंपोनेंट बड़ा है, सॉरी 6 का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको 6 का लगाना है, ये कहीं और चला गया है, कंट्रोल जेड करके मैं इसके कॉन्स्टेंट लगाऊंगा,
ठीक है। तो यहां पे हम लगाएंगे इसके 6, ठीक है। सिक्स लगाना है आपको, क्योंकि कंपोनेंट के हिसाब से आपको ये ओपनिंग खोलना है। कभी कभी मैं बड़ा मोल बनाता हूँ जिसमें पार्ट की वेट आता है 300 350 mm, तो उस केस में मैं जो है 20 mm 22 mm का भी रनर खोल लेता हूँ, जो गेट खोल लेता हूँ 20 से 22 mm की। तो आपको पता होना चाहिए मैं किसकी कौन सी मोल बना रहा हूँ, उस हिसाब से आपको ये डालना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे इसकी सेंटर निकलना पड़ेगा और दोनों के बीच में इसको 0 करना है, ठीक है। देखो अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो थोड़ा सा एक मैं आपको बढ़िया सा तरीका देता हूँ। अगर 6 की जगह मैं 4 भी रखूंगा, इसको मैं कैसे करूंगा, देखो 4 करके मैं दिखाता हूँ आपको। इसको मैं एग्जिट करा, अब जो रनर है इसकी कितना ओपनिंग दूंगा, 0.8 mm की ओपनिंग रखूंगा। कितना mm रखूंगा, 0.18 mm की डाउन डायरेक्शन में रखूंगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है इसको हटा दो, अब इसका भी काम नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने कितने एमएम का रखा था, 5 mm का, 5 mm का नहीं रखना है, पहली क्वेश्चन गलत है ये। तो इसको हम इस केस में हम कितना रखेंगे, इसको जो आपने स्केच बनाया था इसको आपको मिनिमम जो है ये वाली, नहीं कौन सी वाली स्केच था मेरा, हाँ ये 5 mm की जगह इसको मैं कर दूंगा 2 mm। तभी भी एज गेट में रखोगे ना, उसकी कितना रखना है, 2 mm रखना है आपको एज गेट में, ठीक है। अब 2 mm रख दिया मैंने, अब इसको जो है मैं यहाँ पे यूनिट कर दूंगा, यूनिट एक सेट बना के दिखा रहा हूँ आपको, बाकी आपको अपने अपने अकॉर्डिंग बनानी है। इसको मैं यूनिट कर दिया, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे ड्राफ्ट यूज करना है आपको। ड्राफ्ट कितने करोगे, इसको सिलेक्ट करूंगा, ये जो एज है, ये जो एज है, दोनों एज को हम थोड़ा सा डिग्री दे देंगे इसमें एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, जितना भी देना है 6 डिग्री, ठीक है 6 डिग्री काफी है ना। तो इसको मैं पास कर देता हूँ, क्योंकि मैं नीचे 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 की तरफ भी मेरे को देना है तो ये फैल जाएगा। और यहाँ पे जो होती है ये एंगल थोड़ा सा ज्यादा देना है, इसको हम 12 डिग्री ला लेंगे। 12 नहीं आ रहे, 10, 10 नहीं आ रहे, 8 गलत भी नहीं आ रहे, 6 पास आ रहे। तो ये 5 mm बहुत कम है बाबू, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। इसको मैं 10 mm कर देता हूँ, 10 mm करने में नहीं हो रही ना, इसलिए नहीं हो रहा है कि यहाँ पे ये जो पहले वाली डाप थे ना इसको कम करना पड़ेगा। मान लो मैं 2 डिग्री दे रहा हूँ, है ना, और यहाँ पे 2 डिग्री मैंने दे दिया। अब मैं ये ड्राप बढ़ा सकता हूँ, या ऐसा भी कर सकते हो पहले वाला वो ड्राप दे दो, है ना, ये बढ़ रहा है ना अभी, 10 कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। ये जितना मोटा होगा ना, मोटा होगा उतना आपकी रनर अच्छा चलेगा, मतलब उतना आपका रनर बढ़िया चलेगा। अब उसके बाद आपको यहाँ पे लाइन लगा देना है, 1 की लगा दो काफी। ये हो गई आपकी एज गेट, अब समझ गए एज गेट में कितना रखना है। यहाँ से 2 mm रखना है, यहाँ पे 0.8 mm रखना है, और ये वाले तो टेपर है, इसको ज्यादा देना है। अगर ये ज्यादा रोगे ना फ्लो नहीं आएगी, कोई नहीं बताएगा। ये जो मैंने आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ ना, प्रैक्टिकल कैलकुलेशन है, ये सब चीजें आपको कोई नहीं बताने वाला है, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा सा रेडियस मार देना, इसमें क्या होगा, स्मूथ होगा और इसमें फ्लो नहीं आएगी। याद रहेगा कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन आपको याद रख के बनानी है डिजाइन में। नेक्स्ट आते हैं हम स्लिप इजेक्शन पे। स्लिप इजेक्शन आने से पहले सबसे पहले इसकी डायमीटर देखना होती है, इसकी जो डाया होगा कितने का। अगर 2 बार क्लिक कर दो, अगर कोई सिस्टम काम ना करे तो आप देख पा रहे हो 2.5.15 है, मतलब 5 mm का हम डाल सकते हैं इसमें। और जो अंदर के ये है, ये जो है 1.36 है, मतलब 2.5 के हम डाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये कम होगा चलेगा, ज्यादा होगा ना इसमें स्क्रू नहीं होगा, जो स्क्रू आती है ना इसके अंदर आती है, वो नहीं डाल सकते। अगर 0.1 0.2 ज्यादा भी होगा ना दिक्कत आएगी, कम होगा चलेगा, क्योंकि इसमें आप टेपिंग कर सकते हो स्क्रू में। तो हम लोग हमको क्या डालना है, जो स्लिप इजेक्टर पिन होती है यहाँ के अंदर पिन चलेगा, इजेक्टर पिन चलेगा और यहाँ पे स्लिप चलेगा। तो इसकी जो कैलकुलेशन होती है आप देखोगे एक बार, देखो थोड़ा ध्यान से। तो यहाँ पे हमें कितने का डालना है, 5 का। तो मेरा यहाँ पे कैलकुलेशन है 5 5 का हम कितना डाल सकते हैं, 2.5 डाल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था 2.6 आ रहा था, तो यहाँ पे थोड़ा सा कम होगा चल जाएगा, 2.5 हम डालेंगे। अब 2.5 में इसकी कॉलर कितने का आती है, कॉलर आता है 4 mm का, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये वाली कहानी। अब देखो अगर किसी को चाहिए PDF तो यहाँ अपना मेल आईडी डाल दे, मैं शेयर कर दूंगा। मैं एक बना के दिखाऊंगा, हाँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा सब बनाने में। तो यहाँ पे अपने को क्या डालना है, 5 mm का, और इसने अंदर वाले जो पिन आएगा कितने का बनेगा, कितने का बनेगा, 2.5 का। 2.5 कम आ रहा है ना, ये कम आ रहा है ना, 2.5
अंदर है, यहाँ पे कट है, तो 2.5 इसको यूज करना है ना। ये जो है बाद में इसमें टेपिंग के लिए दे रखा है वाली, तो यहाँ पे इसको आपको डालना है लगभग, मैं इसमें 32 वैसे डाल दे रहा हूँ। ये स्लीव हो गई, मान लो स्लीव यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे इजेक्टर पिन चलेगा। इजेक्टर पिन कहाँ तक रहेगा, टॉप प्लेट तक रहेगा, टॉप प्लेट में सॉरी बॉटम प्लेट तक रहेगा। बॉटम प्लेट में उसको कैसे हम लॉक करेंगे, बॉटम प्लेट से उसमें हम ग्रैब स्क्रू से लॉक कर देंगे, ठीक है। अब ग्रैब स्क्रू क्या होता है, अगर आपको नहीं पता पूछ सकते मेरे से। इसमें 4 mm हाइट में रहता है, 4 mm हाइट में रहता है, और चलो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये 4 mm हाइट होती है इसमें, हमेशा ध्यान रखना स्लीव में, अगर जो मैं स्टैंडर्ड बता रहा हूँ ये ध्यान रखना। 4 mm में कैसे बना, ये जो होती है ना पास का, पास में 8 mm का कॉलर आता है, ठीक है। और ये जो होगा 2.5 ही हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो हाइट आती है कितने का आती है, 4 mm का आता है, मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया था, ये कैलकुलेशन याद रखना है आपको। उसके बाद इसको आप यूनिट कर दो। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है। तो इस तरीके से स्लीव बनानी है, और नीचे का जो पिन आएंगे, जो इसके इजेक्टर पिन आएंगे, इजेक्टर पिन का भी कॉलर होगा, कितने का पिन आएगा, यहाँ पे 2.5 का आएगा पिन। तो 2.5 का जो पिन रहेगा वो किससे कनेक्ट रहेगा, बॉटम प्लेट से कनेक्ट रहेगा। और पिन को कैसे लॉक करेंगे, हम ग्रैब स्क्रू से लॉक कर देंगे, ठीक है। या इंसुलेटिंग प्लेट लगा लो, ग्रैब स्क्रू लगा लो, बहुत ऑप्शन है इसके पास, तो ग्रैब स्क्रू बेस्ट है। तो आज का वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, आज का वीडियो में हमने सबमरीन गेट लगाने सीखा, मोल ब्रिज से मैं आपको सिखाया, ठीक है। क्या कैलकुलेशन होते हैं वो अपने मैंने बताया, एज गेट का क्या कैलकुलेशन होता है, साइड गेट का क्या कैलकुलेशन होता है मैंने आपको बताया, कितना डिग्री रखना है आपको एक बार में दोबारा समराइज कर दे रहा हूँ। 0.8 mm की ओपनिंग रखना है, 2 mm की लेंथ रखना है, 6 degree का टेपर रखना है, नीचे 12 से 15 degree का टेपर रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना हमेशा तभी भी, और यहाँ पे रेडियस मानना, एक तो 1.5 1 mm का, कभी भी फ्लो का प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये CIM रेंज की तरफ से आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ। नेक्स्ट आती है सबमरीन गेट में, सबमरीन गेट में अगर मेटेरियल हार्ड यूज करते हो तो ओपनिंग 1.0.8 से लेके 1 mm तक रख सकते हो। 1 mm से ज़्यादा दोगे तो ये टूटने में दिक्कत आएगी। एंगल 45 degree रखना है, ठीक है। 10, 12, 16, 20 degree की इसकी टेपर रख सकते हो सबमरीन गेट में, ठीक है। मैक्सिमम केस में 12 degree रखते हैं, 10 degree रखते हैं, हार्डली 15 degree रखते हैं, 20 degree हम जाते नहीं है, बड़े बड़े कंपोनेंट ऑटोमोबाइल कंपोनेंट में जा सकते हैं। सबमरीन गेट हमेशा कोशिश करना कि पार्ट अगर ज़्यादा मोटा हो, पार्ट की वेट अगर तुम्हारा 150-200 mm से ऊपर हो तो एक सबमरीन गेट जगह 2 सबमरीन गेट खोलना, ठीक है। तो वेट के हिसाब से देखना पड़ेगा, फ्लो के हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर आप मान लो आपने यहाँ पे ABS प्लस ग्लास फाइबर यूज कर रहे हो, 30% ग्लास, APC प्लस ग्लास फाइबर यूज करते हो, तो उस केस में सबमरीन गेट को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि वहाँ पे फिलिंग की इशू आता है अगर ग्लास फाइबर वगैरह यूज करते हो तो। तो ये आपको ये तरीका थोड़ा ध्यान में रख के आपकी इसकी गेट वगैरह डिफाइन करना है। मैंने आपको बता दिया जो जो पॉसिबिलिटीज है, अगर मैं दोबारा इसे समराइज कर देता हूँ, जो मेरा ये स्टैंडर्ड आती है, आपको ये स्टैंडर्ड चाहिए, अगर आप फोटो लेना चाहते हो तो फोटो ले सकते हो, अगर आपको कैलकुलेशन चाहिए इसकी स्टैंडर्ड की PDF चाहिए, नीचे अपना मेल आई डी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं शेयर कर दूंगा। इसके जो हेड आते हैं 4 mm का हाइट में आती है, कॉलर जो है 3 mm ऑफसेट आती है पिन से, पिन अगर मैं 5 का लगा रहा हूँ तो 8 का ही आएंगे, ठीक है। उसके साथ जो अगर मैं 5 का स्लीव लगा रहा हूँ, इसके पास मेरे पास 3 ऑप्शन है, एक 2 का है, एक 2.5 का है, और एक 3 का है जो होल है, तो मैं 2 का यूज नहीं करूंगा, तो बहुत ही पतला है, मैं यहाँ पे 2.5 का यूज कर रखा हूँ। ये कैसे यूज करूंगा, हमेशा ये इससे ये थोड़ा छोटा हो चलेगा, लेकिन बॉस से अगर स्लीप पिन ज्यादा बड़ा हो जाए दिक्कत आएगी आपको, ये ध्यान रखना है। अगर ये बॉस 5.2 है, 5 का पिन यूज कर रहा हूँ, दैट इज ओके, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो ये अंदर वाली होल है ना, ये थोड़ा सा कम हो चलेगा, बड़ा हो दिक्कत आएगी, क्यों कि इसके साथ टैपिंग होती है, ये हमेशा ना टैपिंग होता है जो दूसरी मीटिंग पार्ट होती है, तो ये ध्यान रख के आपको बनाना है। आई होप समझ में आ गए। अगर किसी को एडवांस तरीके से ट्रेनिंग भी चाहिए, बड़ी बड़ी कंपोनेंट में ट्रेनिंग भी चाहिए, ट्रेनिंग ले सकते हो। इसी तरीके से मैं ट्रेनिंग वगैरह देता हूँ, और मेरा जो क्लासेस होती है अभी जो है, देखो हर हफ्ते मेरा क्लासेस बनती है, और जिसको भी क्लासेस वगैरह लेना है, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देखो इस तरीके से आप अगर छोटी छोटी चीज़ें आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करोगे, इन फ्यूचर वो चीज़ें आपको दोगुना रिटर्न में भी देंगे। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।